नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको ग्राइंडर व्हील के बारे में बताना चाहूँगा। ये ग्राइंडर व्हील का हमारा फर्स्ट पार्ट है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक कीजिए। दोस्तों जैसे हमारा ग्राइंडर व्हील होता है, हम ग्राइंडर व्हील की बात करते हैं तो ग्राइंडर व्हील को जब हम मार्केट से परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे स्टैंडर्ड व्हील मार्किंग सिस्टम, मतलब जो एक व्हील का स्टैंडर्ड व्हील मार्किंग करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड व्हील मार्किंग सिस्टम होता है, जिसको हम इस प्रकार से ग्राइंडर व्हील को मार्केट से परचेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है याद करने के लिए, MAJJSB। तो ये हम यदि हम ये शॉर्ट वाला फॉर्म याद रखते हैं तो हम पूरे ग्राइंडर व्हील को याद रख सकते हैं। जैसे दोस्तों एम से होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिम्बॉल, ए से होता है एब्रेसिव टाइप, जी से होता है हमारा ग्रेन साइज, जी से होता है हमारा ग्रेड, एस से होता है हमारा स्ट्रक्चर और बी से होता है वॉन्ड। मतलब हम दोस्तों की ग्राइंडर व्हील किस प्रकार से हम मार्केट से परचेस कर सकते हैं, किस प्रकार से खरीद सकते हैं, उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर याद करके हम उसको याद कर सकते हैं। चलो दोस्तों हम जानते हैं कि ये क्या होता है। जैसे हमारा पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग सिम्बॉल। तो मैन्युफैक्चरिंग सिम्बॉल क्या होता है दोस्तों, हर एक कंपनी होती है और कंपनी क्या करती है, अपना खुद का एक नाम डालती है। जैसे जापान की कंपनी एक मिटुटोया तो अपना नाम डालेगी, इंडिया की कोई कंपनी है तो अपना एक सिम्बॉल डालती है। तो यहाँ पे सिम्बॉल वो कोई भी रख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों सेकेंड नंबर आता है हमारा एग्रेसिव। तो एग्रेसिव टाइप आता है दोस्तों, जो हमारा एग्रेसिव होता है ग्राइंडर व्हील में मैक्सिमम टू टाइप का एग्रेसिव यूज किया जाता है। पहला होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा होता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड को ए से प्रदर्शित करते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड का सी से प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी कंपटीशन के जो एग्जाम होती है दोस्तों उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड को किससे प्रदर्शित किया जाता है वो पूछा जाता है, और कभी कभी पूछा जाता है कि सिलिकॉन कार्बाइड वाले फिल्म को किससे प्रदर्शित किया जाता है तो सी से प्रदर्शित किया जाता है। थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर जो होता है हमारा जी होता है, तो जी से मतलब होता है हमारा ग्रेन साइज। तो जो ग्रेन साइज होता है वो ग्राइंडर व्हील का हमारा निम्नलिखित प्रकार का होता है, एक होता है हमारा कोर्स, दूसरा होता है मीडियम, तीसरा होता है फाइन और चौथा होता है फाइन। जो कोर्स ग्रेड वाला ग्राइंडर व्हील होता है वो 10 से 24 तक होता है, मीडियम ग्रेड वाला जो होता है वो 30 से 60 तक होता है, फाइन वन ग्रेड वाला जो होता है वो 80 से 180 तक होता है, और वेरी फाइन ग्रेड वाला जो ग्राइंडर व्हील होता है वो 220 से 600 ग्रेन साइज होता है। ग्रेन मतलब जो होता है, ग्रेन के बारे में सर हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारे पूरे ये जो है एब्रेसिव है ग्रेन साइज है इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं अपलोड करूंगा कि एब्रेसिव क्या होता है, ग्रेन साइज क्या होता है। बस अभी आप ये याद रखिए कि जो हमारा ग्रेन साइज होता है देयर आर फोर टाइप ग्रेन साइज, जैसे कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। तो कोर्स में जो कणों की संख्या होती है 10 से 24 होती है, मीडियम में 30 से 60 होती है, फाइन में 80 से 180 होती है, और वेरी फाइन में जो एब्रेसिव के कणों की संख्या होती है 220 से 600 होती है। फिर नंबर चार पे आता है हमारा ग्रेड। तो ग्राइंडर व्हील का जो ग्रेड होता है तीन टाइप का होता है, सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड और फाइन ग्रेड। तो जो सॉफ्ट ग्रेड वाला ग्राइंडर व्हील होता है वो पाया जाता है हमारा ए से लेके एफ तक। मीडियम ग्रेड वाला जो ग्राइंडर व्हील पाया जाता है वो पाया जाता है जी से लेके वी तक, और जो हार्ड ग्रेड वाला होता है वो होता है डब्ल्यू से लेके जेड तक। तो ग्रेड होता है कि हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद होता है हमारा पांच नंबर का स्ट्रक्चर। तो ग्राइंडर व्हील का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों दो टाइप का होता है, एक होता है डेंस स्ट्रक्चर, एक होता है ओपन स्ट्रक्चर। अब डेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है हमारा जीरो से लेके सात तक, मतलब इसमें जो होगी वो कणों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और ओपन स्ट्रक्चर इसमें जो होते हैं वो होता है 8 से लेकर 14 तक, मतलब जो डेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसकी सहायता से हम फाइन ग्राइंडिंग कर सकते हैं, और ओपन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम रफ ग्राइंडिंग कर सकते हैं। मतलब रफ ग्राइंडिंग के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो ओपन स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, और यदि हमें फिनिश ग्राइंड करना है तो उसके लिए हम डेंस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। उसके बाद आती है बात आती है हमारे 6 नंबर पे बॉन्ड। तो बॉन्ड जो होता है वो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं ग्राइंडर व्हील में। तो हमारा बॉन्ड होता है, एक होता है विट्रीफाइड बॉन्ड, जी से मतलब होता है विट्रीफाइड बॉन्ड, एस से मतलब होता है सिलिकेट बॉन्ड, ई का से मतलब होता है सिलिकेट बॉन्ड, आर से मतलब होता है रबर बॉन्ड, बी से मतलब होता है रेजोनेट बॉन्ड, ओ एक्स वाई मतलब ऑक्सी से होता है ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड, और एम से होता है मेटेलिक बॉन्ड। इस प्रकार से दोस्तों हम ग्राइंडर व्हील के बारे में मार्केट से जानकारी रख के इसको परचेस कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है ग्राइंडर व्हील को पहचानने का। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा एब्रेसिव क्या होता है, ग्रेन साइज क्या है, ग्रेड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है और बॉन्ड क्या है। साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड वाले ग्राइंडर व्हील का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कौन से ग्रेन साइज किसके लिए कितना रखा जाता है, हमारा ग्रेड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डेंस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, बॉन्ड ये क्या क्या होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये मैंने आपको जानकारी दी है।
तो आपको पसंद आएगी होंगी। यदि आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।